मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि घर में दीवारें छतें और दरवाजे वगैरह खड़कती हैं, तो आपने सूरतुल मआरिज रोजाना 3 मरतबा 11 दिन तक पढ़ने को फरमाया था। मैंने ये अमल भी मुकम्मल कर लिया लेकिन खड़ा खत्म नहीं हुआ, तो मुफ्ती साहब ये बता दें कि ये क्या चीज़ है जो खड़कती है, बाज नहीं आती, और मुझे इसके लिए कोई और पढ़ा ही बता दें। शुक्रिया जी। शुक्रिया। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। माशाल्लाह, उसके लिए आप शुरू करें सूरत जिन। सूरत जिन की पहली जो है वो 5 आयतें, सूरत जिन की पहली 5 आयतें आपने 3 मरतबा पढ़नी है। पढ़ के पानी भी दम करके वो पानी छिड़क देना है घर में, दीवारों के ऊपर ऊपर खेड़ छिड़क देना। तो ये आप शुरू कर लें और सुबह में आप ये अमल कर लें, और शाम में जो है वो आप सूरत बकरा का पहला रुकू और आखिर रुकू एक एक दफ़ा पढ़ के पानी भी दम करके पानी छिड़कें और इधर उधर फूंक लें। तो ये अमल भी आपने 11 दिन करना है, और 11 दिन करके फिर मुझे रिपोर्ट दें इंशाल्लाह अल्लाह के नाम से। ये शैतानी और जिन्नाती चीज़ें होती हैं यहाँ से भी, जो मुख्तलि अंदाज से ये बसेरा कर लेती हैं और वहाँ रहने वालों को सताती और तंग करती हैं। तो अगर इससे भी दुरुस्त ना हो तो फिर मुझे बताइएगा, फिर अगला प्रोसेस ये है कि फिर वहाँ जा के जो है वो मैं नुमाइंदा भेज दूँगा, वो जाके उन चीज़ों को वहाँ से भगाएगा, वहाँ पर पूरा हिसार बांधेगा और हर तरह घर को सेफ अल्लाह तबारक व ताला कर देंगे। बात को बात चुका।